नमस्कार दोस्तों, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जो काम इस देश के मुखिया को करना चाहिए था वो काम इस देश का नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। दोस्तों सोचिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दायित्वों से पीछे हटकर खड़े हुए हैं। वैसे तो भाषणों में बहुत लंबी लंबी बातें करते हुए नज़र आते हैं, कहते हैं देश का विकास हो रहा है, देश का उद्धार कर रहे हैं, 10 सालों में देश ने बहुत तेज़ी से तरक्कियां की है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हुआ है देश में। लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ है वो आप सभी के सामने है। कहीं पर फीता कटिंग हो रहा है तो उसके 1-2 महीने बाद वहाँ पर जर्जराती हुई हालत, तस्वीरें, वीडियो, फोटो सब नज़र आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर वंदे भारत ट्रेन को संचालन किया गया, मोदी जी ने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताई बीजेपी सरकार ने, लेकिन क्या हुआ, वंदे भारत के छत से पानी टपक रहा है। खैर मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूँ, मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ कि कैसे बार बार राहुल गांधी वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो मोदी जी को करना चाहिए था। मोदी जी सत्ता में तीसरी बार बैठ चुके हैं, सत्ता उनके पास तीसरी बार मिल चुकी है, लेकिन काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सोचिए नेता प्रतिपक्ष काम कर रहा है और सत्ता में जो 18-18 घंटे काम करने वाले खुद को कहलवाते हैं कि मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, वो 18-18 घंटे क्या काम कर रहे हैं कोई पता नहीं है। अब देखिए, जब से अग्निवीर योजना का मामला राहुल गांधी ने संसद भवन में उठाया था तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो ये कहने लगे कि राहुल गांधी जो संसद भवन में कहा वो झूठ कहा। पहले मैं वो बात बयान दिखा दूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे शहीद का परिवार जो है वो क्या कह रहा है और कितनी तारीफ राहुल गांधी को लेकर कह रहा है, और उन्होंने संसद भवन में राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद फिर मोदी ने क्या रिएक्ट किया है वो सब कुछ उस परिवार का शख्स बता रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, अग्निवीर योजना जो है यूज़ एंड थ्रू मजदूर है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना ख़त्म करने का वादा करने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में ये तमाम बातें सरकार को कहते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि सरकार अग्निवीर को न पेंशन देती है, न मुआवजा और न ही शहीद का दर्जा उन्हें मिलता है। राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिल चुकी है। राहुल गांधी उसके लिए राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। दोनों ही पक्षों की राजनीति में अब सेना की भी एंट्री हो चुकी है, ऐसा ये बात कहा जा रहा है। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो बात कर रहे थे, जो चीज़ें बता रहे थे, वो कैसे उनकी सत्य साबित होती हुई नज़र आ रही है। एक एक करके मैं वो तमाम खबरें आपको दिखाऊँगी कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो उनकी बातें कैसे अब सही निकल गई, कैसे उन्होंने सही कहा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 21 साल के शहीद अग्निवीर जितेंद्र तंवर के भाई का, उनके परिवार वालों का, उनके घर वालों का बयान बताना चाहूँगी। बीबीसी की रिपोर्ट है, खैर मैं वो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको बता दूँ कि उनके परिवार वालों का क्या कहना है। उनके घर वाले कह रहे हैं कि 2 महीने तक किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली, जब उनका 21 साल का बेटा शहीद जितेंद्र सिंह तंवर इस दुनिया से चले गए इस देश की रक्षा करते हुए, तब उनके परिवार को 2 महीने तक कोई पूछने नहीं आया। और जैसे ही राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के तहत मारे गए शहीदों के बारे में आवाज़ उठाया संसद भवन के अंदर, तब सरकार की तरफ से उनको फ़ोन आना शुरू हुआ। जिस पार्टी का रक्षा मंत्री इतना झूठा हो उस पार्टी के बाकी नेता कितने गिरे होंगे। इस तरीके से एक यूज़र ने ट्वीट करते हुए ये क्लिप शेयर किया है कि देखिए राहुल गांधी ने ये मामला उस वक्त संसद भवन के अंदर उठाया लोकसभा में, जब अग्निवीर योजना को लेकर वो लगातार मुखरता के साथ बात कर रहे थे। तब जाकर उस परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी बातें और हमारी सुध बुध लेने के लिए सरकार की तरफ से फ़ोन आया।
इसीलिए मैं कह रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम लगातार आसान कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और उनका दुख तकलीफ संसद भवन के अंदर भी उठाया जा रहा है। तो इसको लेकर वो परिवार भी राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि देखिए राहुल गांधी जो है वो किस तरीके से लगातार मुखरता के साथ जो है अपनी तमाम बातें कर रहे हैं और संसद भवन में उठा रहे हैं, जिससे सरकार को दबाव बन रहा है और सरकार उन तमाम लोगों की खोज अब जाकर ले रही है। तो ये स्थिति में राहुल गांधी ने लाकर मोदी जी को रख दिया है। अब देखिए राहुल गांधी की एक और मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी, जो आज तक और बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जो मणिपुर गए थे वो ड्रामा है। आपको मैंने वो खबर भी दिखाई कि राहुल गांधी को लेकर कहा गया कि वो ड्रामा करने गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरीके से शेयर किया है वो तमाम जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो लिखते हैं कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी प्रदेश दो टुकड़ों में बटा हुआ है, घर जल रहे, मासूम जिंदगियां खतरों में और हज़ार परिवार रिलीफ कैंप में जीवन जीने को काटने को मजबूर है। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया मणिपुर में शांति की ज़रूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को ख़त्म करने का दबाव बनाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर वो तो आवाज़ उठा ही रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने मणिपुर का भी जिम्मेदारी उठा लिया है। तो एक एक करके जो जिम्मेदारी सरकार की है, जो जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आती है, देश का रक्षा करना, देश में सुरक्षा पैदा करना और सबसे बड़ी बात देश के जो शहीद जवान है, जो जवान जो इस देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे सरहदों पर खड़े रहते हैं, उनका सिक्योर, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके परिवार को, वो तो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाए हुए हैं लेकिन उनके परिवार को तो कम से कम सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, अग्निवीर योजना लाकर जिस तरीके से सरकार ने अपनी वाहवाही की है वो वाहवाही अब बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है दोस्तों। एक एक करके तमाम शहीद परिवार अब खुलकर बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अंशुमन, कैप्टन शहीद अंशुमन का जो परिवार है, उनकी माँ, उन्होंने अग्निवीर योजना को हाथ जोड़कर सरकार से बंद करने की मांग की थी कि वो इस योजना को बंद कर दे और तमाम शहीदों को और तमाम जो आर्मी के लोग हैं, जो जवान हैं, उनको एक नज़र से देखा जाए, उनके साथ दोहरा व्यवहार ना किया जाए। इस तरीके की बातें वो करते हुए नज़र आई थी दोस्तों। सोचिए उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, अब इस परिवार की भी बातें सुन लीजिए। इस परिवार ने भी किस तरीके से खोला है पोल कि जब राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर आवाज़ उठाया तब जाकर उनके परिवार को फ़ोन आना शुरू हुआ है। तो इस स्थिति में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या नहीं बनती है दोस्तों, आप बाखूबी जानते हैं, ये देश बाखूबी जानता है कि सेना के परिवार वालों को किस तरीके से सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो अग्निवीर योजना लाने के बाद नहीं मिल रही है। ऐसा उन तमाम परिवार वालों का आरोप बार बार निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।